पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज दोपहर 12:30 बजे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संभाषण से ये पता चला कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शक्ति बन गया है। वो अमेरिका, रूस, चीन के बाद ऐसी पावर हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत के इसरो और डीआरडीओ संस्थान की मदद से एंटी सैटेलाइट टेस्ट को आज सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत दुर्भावना से हमारे देश पर नजर रखने वाली बाहरी सैटेलाइट को पहचान कर उसे नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम है। देश की आंतरिक सुरक्षा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसी अवसर पर मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट और स्पेस से संबंधित विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकों के छात्र छात्राओं की EESS सोसाइटी द्वारा देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस महान उपलब्धि को सेलिब्रेट किया गया। ज्ञात हो विगत 23 वर्षों से उत्कृष्ट तकनीक की शिक्षा द्वारा समाज सेवा में अग्रसर MIT के कई पूर्व छात्र इसरो और DRDO जैसी संस्थाओं के माध्यम से देश सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति किसी को डराने के उद्देश्य से नहीं, अपितु देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम कदम है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूर्णतः भारत में निर्मित है, जो ये दर्शाता है कि देश स्वयं उत्कृष्ट और कुशल इंजीनियर्स एवं वैज्ञानिक पैदा कर रहा है।